खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। इतने नेता आते हैं, शाम से देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बढ़ने से दबाओ बढ़ने से दबाओ, जब फांसी लगा रहे हो। ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा की भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। मैं ओबीसी का हूँ, मैं नीच हूँ, मुझे नीच कह दिया कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। ये भविष्यवक्ता है क्या? खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है, अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं ही लाल किले पे आऊंगा, मैं ही योजना बनाऊंगा। और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, चुनाव चलते हुए किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो, ये क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं वो? ये ढाबा बोला हुआ है, ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं, 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। नंबर 2, ये षड्यंत्रकारी लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं। जिस रूप में षड्यंत्र किए गए, अभी छत्तीसगढ़ का जो महादेव ऐप वाला मामला आया, 4 दिन पहले मुख्यमंत्री को अरेस्ट करने की इनकी साजिश थी, उसका पर्दाफाश हो गया। मुझे दुख होता है, प्रधानमंत्री स्तर से और षड्यंत्र करके प्रधानमंत्री के मुंह से आप लाल डायरी बुलवा रहे हो, आप महादेव ऐप बुलवा रहे हो। पहले प्लानिंग करते हैं, 7 दिन पहले की प्लानिंग, कि लाल रंग रखेंगे डायरी का, रखेंगे नाम, फिर लाल डायरी का जिक्र होगा असेंबली के अंदर, फिर यहाँ के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और फिर सीकर के अंदर प्रधानमंत्री आएंगे तो उनसे बुलवाएंगे लाल डायरी, तो बहुत बड़ा इश्यू बन जाएगा। उसी ढंग से वहाँ महादेव ऐप 508 करोड़ रुपये दे दिए हमने मुख्यमंत्री को, इतना बड़ा घोटाला हो गया, बच्चों का भविष्य खराब कर रहे, लॉटरी के वो क्या ऑनलाइन, और बयान करवा दिए। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, ईडी ने प्रेस नोट जारी कर दिया, कोई तफ्तीश नहीं, कोई बात नहीं, और प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं, देखिए यहाँ के चीफ मिनिस्टर 5-8 करोड़ का घोटाला, महादेव घोटाला आ गया है, पूरा षड्यंत्र था उनको अरेस्ट करने का। वहां एक्सपोर्ट हो गए, राजस्थान में एक्सपोर्ट हो गए, वो कहां गई लाल डायरी? ईडी के पास में 50 छापे पड़ चुके राजस्थान के अंदर, ईडी के इनकम टैक्स के 50 छापे में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया आज तक, कोई ब्यूरोक्रेट पकड़ा गया? उन छापे में हुआ क्या है? किस तरफ देश को लेना चाहते हैं, ये हालात में हम चल रहे हैं। हमने रिक्वेस्ट करी थी कि चुनाव को रोको, आप विधानसभा स्तर पर रखें, 5 साल की जो हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे कानून हैं जो हमने पास किए एक के बाद एक, वो शानदार कानून है, चाहे वो किसानों का कानून हो, जमीन कुड़कनी होगी, चाहे गिग वर्कर्स का एक्ट हो, चाहे राइट टू हेल्थ हो, चाहे मिनिमम इनकम गारंटी हो, हमारी स्कीमें हैं, हमारी गारंटी है, 10 गारंटी है और आगे की गारंटी है, उस पर आप बहस करो, उसमें कमियां बताओ, खामियां बताओ, ये बताओ कि ये खाली धरातल उतरी या नहीं उतरी, खाली हमने घोषणा की है क्या, इस पर बहस करो, उस पर बहस नहीं हो रही राजस्थान के अंदर, खाली भड़काने वाली स्पीच हो रही है। जितने नेता आते हैं शाम से देखोगे एक ही भाषा बोल के गए हैं, बढ़ने से दबाओ बढ़ने से दबाओ, जब फांसी लगा रहे हो, ये कौन सी भाषा हुई? ये हिंसा की भाषा है, ये तनाव की भाषा है, ये मैं अस्वीकार है। इस प्रकार से जनता को भड़काने का इनको अधिकार नहीं है, जिस प्रकार भड़काया जा रहा है राजस्थान के अंदर लोगों को। कन्याकुमारी के मामले इनके लोग थे शामिल, वो इनका कार्यकर्ता था मारने वाला,
चार साल से कार्यकर्ता, 16 से कार्यकर्ता था, ज्यादा हो गए। उनको स्वागत किए गए इन लोगों ने, उनको छुड़ाया गया थाने से, वहां के डिप्टी मेयर ने छुड़ाया, वहां के अन्य नेताओं ने छुड़ाया इन लोगों को, और बार बार कनेरा की बात करते हैं, विज्ञापन देते हैं लोग। देखो आप हमारा विज्ञापन देखिए, आप सकारात्मक विज्ञापन है जिसमें हम लोग सही वोट देने का लाभ क्या है, गलत वोट देने का क्या नुकसान हो जाएगा, हम अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस फिर से, और ये पट्टे, ये बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, ये विज्ञापन इनका है। इनके वक्त में शेल ब्लास्ट हुआ, इनके वक्त में खामी रखेगी तफ्तीश के अंदर, जिस कारण अभी छोड़ दिए गए हाईकोर्ट ने, हमने एसएलबी डायर किए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्या क्या ये घटनाएं जो बताई गई इसके अंदर, चाहते गए लोग इस प्रकार से। तो कहने का मतलब ये है कि हालात जो है आपके सामने है। जब मैं इंचार्ज था वहां पर गुजरात के अंदर, 17 के अंदर, प्रधानमंत्री जो अभिनेता भी तो है जिस रूप में अभिनय करते हैं वो, मैं ओबीसी का हूं, मैं नीच हूं, मुझे नीच कह दिया, कमाल है, किसी ने नीच नहीं कहा उनको उस वक्त में, किसी ने नीच नहीं कहा, और एकदम माहौल बना दिया। एक मारवाड़ी आया हुआ यहां पर इंचार्ज के रूप में, भाई और बहनों अगर मारवाड़ी की बात मानोगे तो मैं गुजराती हूं, मैं कहां जाऊंगा, मैं किसके पास जाऊंगा, और वोट ले लिए वहां पे भाव बन करके, हम चुनाव काम में नहीं हो पाए, काम में होने वाले थे हम लोग उस वक्त में, गुजराती बन गए, मैं कहां जाऊंगा। अब वो गुजरातियां आ रहा है ना, हम तो नहीं कहने की गुजराती आ गया है, भाई और बहनों गुजराती की बात मानोगे तो मैं कहां जाऊंगा, मैं तो आपके पास ही आऊंगा, बताइए आप, मैं भी तो कह रहा हूं राजस्थान वासियों, गुजराती आके घूम रहा है यहाँ पर, वोट मांग रहा है, मैं आपका हूं, मैं थासू दूर नहीं हूं, मैं कहां जाऊंगा। सवाल ये है, अब कह दिया कि मैं गारंटी देता हूं चौथी बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, अगली बार मुख्यमंत्री वापस नहीं बनेंगे, ये भविष्य लगता है क्या, खुद तो भविष्यवाणी कर रहा है अगली बार मैं ही प्राइम मिनिस्टर होऊंगा, मैं लाल किले पे आऊंगा, मैं योजना बनाऊंगा, और 5 साल के लिए आप अनाउंसमेंट कर रहे हो चुनाव चलते हुए, किसान नीति की बात हो, 5 साल के राशन की बात हो, ये क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिखता कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या घोषणाएं हो रही है चुनाव चलते हुए।